नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भगवान बुद्ध की धरती बिहार, अगर बिहार का नाम लिया जाए और भगवान बुद्ध याद ना आए तो फिर ये तो गलत ही होगा। लेकिन इसी बिहार में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर नया कारनामा कर देते हैं, ट्वीट करते हैं और भगवान बुद्ध की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं, जिसके बाद अब ट्रोलर्स उनके ऊपर जो है ट्रोल करने लगते हैं। दरअसल अपने फेसबुक अकाउंट पर और अपने ट्विटर अकाउंट पर अब बाकायदा ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके प्रोफेसर चंद्रशेखर जो कि खुद शिक्षा मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री बिहार में भगवान बुद्ध की तस्वीर लगा के महावीर जयंती की शुभकामनाएँ देते हैं। अब लोग कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे अगर शिक्षा मंत्री हो सकते ऐसा काम कर सकते हैं तो बिहार के और लोग क्या क्या करेंगे। यानी देखिए, जो ट्रोलर्स हैं वो उन्हें एक बार और मौका मिल गया है। एक बार पहले रामनवमी के मौके पर भी प्रोफेसर चंद्रशेखर के किए गए एक ट्वीट के बाद वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हुए थे और अब महावीर जयंती की बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें तस्वीर लगाए हैं भगवान बुद्ध की, जिसके बाद एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। बिहार के शिक्षा मंत्री विवादों में घिरे रहते हैं। रामचरितमानस पर दिए गए बयान में वो चर्चा में रहे। अब आपको बताएं, महावीर जयंती के अवसर पर उन्होंने जो ट्वीट किया उससे चर्चा में, रामनवमी के अवसर पर किया गया उनका ट्वीट काफ़ी ट्रोल हुआ था। अब वे भगवान महावीर जयंती पर किए गए ट्वीट की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा, समस्त प्रदेश एवं प्रदेशवासियों को भगवान महावीर जयंती की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। यह लिखते हुए जिन्होंने जो फोटो भगवान महावीर का लगाया वह शरीर पर चादर की वजह से भगवान महावीर नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का लग रहा है। भगवान महावीर तो दिगंबर थे, यानी उन्होंने वस्त्र त्याग दिया था। इस ट्वीट पर कई लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक सजल नाम के एक ट्विटर यूज़र हैं जो लिखते हैं कि बिहार से होकर भी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का अंतर नहीं पता है, बेहद दुखद। संसार जैन नाम के एक जो ट्विटर यूज़र है वो लिखते हैं, जिस बिहार में भगवान महावीर का जन्म हुआ और मोक्ष हुआ वहाँ की शिक्षा मंत्री महोदय को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर में अंतर नहीं पता है, श्रीमान कृपया चित्र को सही करें। सोनू कुमार के एक ट्विटर यूज़र लिखते हैं, आपको शिक्षा मंत्री कौन बना दिया? जिस शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं कि भगवान महावीर जयंती है कि भगवान बुद्ध है, अब ऊपर वाला ही बचा सकता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। भगवान महावीर की मूर्ति पर रुद्राक्ष आदि भी नहीं दिखते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो फोटो महावीर जयंती पर ट्वीट किया है उसमें हाथों में रुद्राक्ष या कोई आभूषण दिख रहा है। गौर से आप देखें तो एक निशान बुद्ध से अलग है और बताता है कि ये महावीर हो सकते हैं। अब निशान छाती पर है। आपको बताएं, महावीर की छाती पर श्रीवस्त्र का अंकन पाया जाता है। यह शुरुआत कुछ मूर्तियों को छोड़ दे तो आपको दिखेगा, लेकिन बुद्ध के शरीर पर कपड़ा नहीं दिखता है, इसलिए कुल मिलाकर वह फोटो विवादास्पद है। महावीर जयंती के अवसर पर बुद्ध और महावीर दोनों की मिश्रित फोटो लगाना भी भ्रम फैलाने जैसा है। यह इतिहास के साथ खिलवाड़ भी बताया जा रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री के एक ट्वीट पर 5 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने सवाल उठाया था, कहा था कि शिक्षा मंत्री जी तेल चित्र नहीं तैल चित्र होता है, श्रीमान चंद्रशेखर जी शिक्षा विभाग का तेल मत निकालिएगा। शिक्षा मंत्री का वह ट्वीट अब नहीं दिख रहा। रामनवमी के अवसर पर जब शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी थी तब भी लोगों ने उनसे ट्विटर पर ही खूब सवाल दागा था। वजह यह थी कि उन्होंने जनवरी माह में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 15वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं, ये नफरत को बोने वाला ग्रंथ है। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश व समाज में नफरत फैलाने वाले ग्रंथ हैं। जो आपको बताएं, भगवान महावीर के ट्वीट पर युवा शिक्षा मंत्री से यह भी पूछ रहे हैं कि 7वें चरण का शिक्षक नियोजन कब शुरू होगा। अनिल कुमार सिंह एक यूज़र हैं, लिखते हैं कि हे प्रभु, हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दीजिए कि हम लोगों का प्राथमिक विज्ञप्ति दे दें। बिहार शिक्षक बहाली, अमर अंसारी नाम के एक यूज़र है, वो लिखते हैं कि आपकी कार्यशैली से हम बहुत खुश हैं।
आपने अपनी तत्परता बिल्कुल 5G की रफ्तार से काम किया कि फरवरी तो छोड़िए, मार्च भी खत्म, अब अप्रैल चल रहा है। ना ही नियमावली और ना ही शिक्षक भर्ती की कोई बात हुई। वाह मंत्री जी वाह। तो देखिए, शिक्षा मंत्री के शिक्षा और साथ ही साथ उनके नॉलेज पर सवाल उठाए जा रहा है। सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि महावीर जयंती पर बकायदा एक ट्वीट करते हैं जिसमें शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तस्वीर लगाते हैं भगवान बुद्ध की। तो देखिए, एक ट्वीट के बाद जो है वह शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर किस तरह से ट्रोल होने लगते हैं। इससे पहले भी कई सारी उनकी ट्वीट आती है जिस पर तमाम जो यूजर्स हैं, यानी जो ट्विटर यूजर्स हैं, वो शिक्षा मंत्री को इसके ऊपर निशाना साधते हैं और उनके उन्हें जो है ट्रोल करते नजर आते हैं। एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं शिक्षा मंत्री और अपने ही एक ट्वीट के बाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।